Hello everyone, I'm Akash Pandey. Today I'm going to teach you the commands. The first one is your fillet and second one is your chamfer. Fillet के लिए हम लोग क्या करते हैं, fillet actually S shape के लिए होता है. Like हमें अगर S shape चाहिए होता है, in that case हम लोग fillet command को use करते हैं. जैसे कि suppose you have a rectangle, ठीक है, आपके पास एक rectangle है, ठीक है, जिस rectangle का आपने size दे दिया कुछ 300 by 300, tab button से second angle लिया 300 बाई 300 का स्क्वायर लिया. अब आपको यहाँ पर रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. इन दैट केस आपको फिलेट यूज करना चाहिए. फिलेट यूज करने के लिए आपको फिलेट पे क्लिक करना है, और फिलेट पे क्लिक करने के बाद इसे राइट क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे भी आते हैं ऑप्शंस, अदरवाइज आप राइट क्लिक करिए. तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, रेडियस. जैसे आपने रेडियस लिया तो आपसे पूछेगा कि हाउ मच रेडियस यू वॉन्ट. तो सपोज अभी 300 बाई 300 के, तो मैंने कहा कि 30 का रेडियस ले लेते, 30 लेके एंटर किया. अब जैसे आप देख रहे हैं, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट सी. यहाँ पे एक इसने क्या किया, एक फिलेट शेप लगा दिया, एस शेप लगा दिया. ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है. तो आपका लाइक 4 times आपको उस कमांड लिख के टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. तो उससे अच्छा होगा कि एक मिनट के लिए आप कंट्रोल जेड करिए इसको, और कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पे फिर से फिलेट लीजिए. फिलेट लेने के बाद राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे जैसे रेडियस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे रेडियस पुट करिए सपोज वैसे ही जैसे हमने रेडियस वहाँ पे 40 करके एंटर किया था. राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टीपल करके. मल्टीपल ऑप्शन यूज करिए, मल्टीपल ऑप्शन से आपकी कमांड क्लोज नहीं होगी. जस्ट क्लिक फर्स्ट वन देन क्लिक सेकेंड वन, फर्स्ट वन देन सेकेंड वन, फर्स्ट वन देन सेकेंड वन. इस तरह से आप क्लिक करते जाएंगे और आपकी जो कमांड है ये खत्म नहीं होगी, चाहे जितने जगह पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी में एक और वेरायटी है. ठीक है, अगर थोड़ा सा और ड्रीप में जाना चाहते हैं फिलेट के, तो आप फिलेट पे क्लिक करिए. फिलेट पे क्लिक करके जैसे राइट क्लिक किया इस पे, और यहाँ पे हमने रेडियस लिया, रेडियस ले लिया सपोज, फिर से हमने आपके लिया और 40 का फिर से लिया, एंटर किया. और ये करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पॉलीलाइन. जैसे आपने पॉलीलाइन पे क्लिक किया, और पॉलीलाइन पे जैसे क्लिक करके यहाँ पे माउस को रखेंगे, देखिए क्या हो रहा है. वंस अ टाइम लाइक एक बार में चारों तरफ आपका फिलेट लग जाएगा. इस तरह से हमारा फिलेट जो होता है वो इंड होता है. होप समझ गए होंगे आप लोग फिलेट कैसे करना है. ठीक है, तो हमने फिलेट के लिए हमने आपको एक बार फिर से थोड़ा गाइड कर देता हूँ. लेकिन यहाँ पे फिलेट कमांड पे गए, देन राइट क्लिक करना है, पहले रेडियस लेना है. फिर अभी देखिए एक और फीचर है इसके अंदर, अभी दिख रहा हूँ मुझे दिखा, तो मैंने सोचा बता देते हैं. जैसे हमने यहाँ पर रेडियस देखा, रेडियस हमने लिया 50 का किया इंटर, और साथ ही साथ हमने फिर से करके यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, और इसमें एक नया फीचर ऐड किया. देखिए क्या लिखा है, ट्रिम. ट्रिम पर जाके अगर आपने यहाँ पे नो ट्रिम कर दिया तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है. फर्स्ट वन यहाँ पर आपको एक तो न्यू रेडियस भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपका जो रेक्टेंगल है वो वैसे की वैसे एक रेक्टेंगल पीजेस से बनाकर बना है. तो आपको फायदा क्या हो रहा है, आपको एक रेक्टेंगल भी मिल रहा है और साथ ही साथ फिलेट से भी मिल रहा है. तो ये कब होगा, जब ट्रिम के अंदर जाके नो ट्रिम करेंगे. अभी मैंने देख लिया इसको, इसके बाद हम लोग को जब जरूरत खत्म हो गया तो राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पे ट्रिम कर दीजिए. तो अभी नॉर्मल जैसे था उस तरह से हो गया. ठीक, होगा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसमें हम लोग अपना ये कमांड यूज करते हैं फिलेट. और नेक्स्ट वन कमांड इज चैम्पर. चैम्पर भी इसी तरह का कमांड होता है, बट वो कट शेप देता है. कैसे देता है, कट शेप देता है. कट शेप के लिए हम लोग कट शेप देता है. कट शेप के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ओके, तो हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे. रेक्टेंगल बनाने के लिए फिर से हमने अब क्या लिया, और अगर हमने साइज थोड़े से चेंज कर दिए, 300 टैब 500 ले लिया, सॉरी 300 टैब 500. फर्स्ट डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, सेकेंड डिस्टेंस इन वाई एक्सिस. देखिए फर्स्ट एक्स सेकेंड वाई. अब मुझे यहाँ पर कट शेप चाहिए, क्या चाहिए, कट शेप चाहिए. तो कट शेप के लिए हमने क्या किया, कट शेप के लिए हमने यहाँ पे गए, और यहाँ से हमने दूसरी कमांड ली, इसका नाम है चैम्फर. चैम्फर लेके राइट क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास पॉलीलाइन है, डिस्टेंस है, एंगल है. ठीक है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया क्या, डिस्टेंस. जैसे डिस्टेंस पे क्लिक किया तो देखिए क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मीन्स पहली जो आपकी लाइन है उसको कितने पर चैम्फर करना चाहते हो. तो हमने डिफाइन किया 50, एंटर. अब ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, जो सेकेंड लाइन है इसको कितने पर चैम्फर करना चाहते हो. मैंने बोला इसको हम 30 पे करना चाहते हैं, 30 लेके एंटर. देखिए अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया और सेकेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ये तो लिया कितना 50, और ये कितना लिया 30. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा किया. बट सेम टू सेम अगर आपको सभी पे चाहिए तो एक मिनट के लिए कंट्रोल जेड करिए,
और जैसे हमने फिलेट में किया था राइट क्लिक डिस्टेंस, और अब क्या हमने कर दिया 40 टैब, सॉरी सॉरी चैम्पर, एंड देन राइट क्लिक, एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिस्टेंस पे, और इस पे 50 इंटर, सेकेंड भी हमने 50 रख दिया, अब क्या इंटर, और अब क्या हमने मल्टीपल ले लिया यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल लेंगे तो देखिए फर्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया, ये देखिए फिलेट होता जाएगा, फिलेट होता जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमने राइट क्लिक करके ट्रिम पे जाके नो ट्रिम कर दिया तो देखिए इस तरह से नो ट्रिम भी होता जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। और इसी का जो सेकंड फीचर है, वो फीचर आपको मैंने बताया कि पॉलीलाइन अगर यूज कर लेंगे यहाँ पे, हमारे पास ये है, और हमने सैंपल लिया, राइट क्लिक डिस्टेंस डाला किया 30 30, और हमने इसके अंदर से ले लिया पॉलीलाइन, और आप कहीं भी क्लिक करेंगे देखिए क्या हो रहा है, एक टाइम में हर तरफ आपका चैम्पर लग गया, और पीछे का जो ट्रिम के अंदर नो ट्रिम ऑन हुआ था उसकी वजह से हमारा रेक्टेंगल भी वैसे के वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और इसमें एक और फीचर है आपके पॉलीलाइन के अंदर, लाइक ऐसे हमने कर दिया फिर से, और चैम्पर लिया, चैम्पर लेने के बाद राइट क्लिक करके जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड है एंगल, एंगल से पहले ट्रिम के अंदर जाके नो ट्रिम कर दीजिए, और एंगल पे जाके हमने एंगल पे क्लिक किया, फर्स्ट डिस्टेंस डालिए, फर्स्ट डिस्टेंस का लेंथ डालना है, लाइक पहला जो है इसका लेंथ बताइए, इसका लेंथ मैंने बोला 50 से मैं कट करना चाहता हूँ, मैंने 50 करके एंटर कर दिया। फिर क्या पूछ रहा है, सेकेंड चैम्पर एंगल, लाइक जो सेकेंड लाइन है इस पे कितने के एंगल पे आपको काटना है, तो मैंने उसके लिए एंगल दिया, उसके लिए मैंने सपोज एंगल दे दिया यहाँ पे 45 का, तो 45 को एंटर कर दिया। अब फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना, वैसे सेकेंड लाइन पे क्लिक करना है, देखिए आपके क्या हुआ, ये कितने का हो गया, ये 45 के एंगल पे जुड़ गया, और ये 50 रह गया, ठीक है। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ से हमने चैम्पर लिया, राइट क्लिक किया और डिस्टेंस पे क्लिक किया, फर्स्ट डिस्टेंस डाल दिया हमने 40 इंटर, सेकेंड हमने एंगल डाल दिया 45 करके एंटर कर दिया, और जैसे हमने फर्स्ट पे क्लिक किया फिर सेकंड पे क्लिक किया, देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा 40 और ये 45 के एंगल पे लग गया, ठीक। इस तरह से मल्टीपल ले लेंगे, पॉलीलाइन लेके हम लोग कर देंगे, और इस तरह से हम लोग देखा कि किस तरह से हम लोग फिलेट और चैम्पर कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग 2 से 3 सीरीज बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाने का, तो उसमें हम लोग ड्राइंग्स पे प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में स्टेप वाइज फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको स्टेप वाइज समझ में आ रहा होगा। बस आप एक एक करके वीडियोस को देखते जाइए और उस पर प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे मैंने कराया तो उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है आप स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब के कमेंट पे कर दीजिए, अदरवाइज मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको मैं कोशिश करके, अभी तक मैं सबने सबको रिप्लाई दिया, आपको भी रिप्लाई करके आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, इफ यू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।